में चक्कर लगते रहेंगे क्योंकि लोकसभा इलेक्शन नजदीक है।
में शामिल नहीं हुई। अपने चीफ मिनिस्ट्री के दौरान जितने काम तहसीलें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स स्कूल्स मेडिकल कॉलेज हेल्थ मिनिस्ट्री के दौरान उन्होंने जितना मन बनता था जम्मू कश्मीर के आसन के लिए किया। मजदूर बाकी जिले बैठे थे साढ़े पांच में ऐसी सैलरी भी साढ़े मुखर्जा जी इतने बाकी सारे साथी में बाकी ज्यादा एक कदम है कर विशाल जी सूर्य जी उनके मेरे साथी इतने पास साढ़े बैठते जा सकते जी और अर्जुन जी जिन्हें सारा प्रोग्राम आ रहे हैं इसके बाद मैं आज सारकों का पहला अर्जुन सिंह की मुबारकबाद देगा कि गुलाम नबी आजाद साहब का नाम है गुलाम नबी आजाद साहब की पहली मीटिंग जी है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर के भी शुरुआत की थी इसके बाद मेरा आजाद साहब होगा उस वास्ते मैं मुबारक देगा कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸਦੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਸਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨੀਕੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਮਾਤਾ ਭੈਣ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬੋਲੇ ਬੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਆਖਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਨੋਟੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਾ ਖਿੰਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣੇ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਅੱਜ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਅੱਜ 370 ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ ਨਹੀਂ ਆਖਾ ਲੱਗ ਪਾ ਰਹੇ 370 ਠੀਕ ਤੋੜੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤੋੜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟਰੈਕ समय समय पर केंद्र में मंत्री रहे
के नाते जो आजाद साहब ने यह काम किए, मैं समझता हूं कि लाजर जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा उसको जानता है। और आप सोचेंगे एक प्रश्न आज सबके जबान पर आता है कि क्या वजह है कि आजाद साहब ने अपनी पार्टी में आप जानते हैं 5 अगस्त 1919 को जब 370 रुपए एलोकेट किया गया और इस रियासत के दो टुकड़े करके दो यूटी बनाई गई, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। और उस समय दिलावर दास साहब ने पार्लियामेंट में राज्यसभा में कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं, मैं इस सदन के सभी जो हमारे सांसद हैं उनको बताना चाहता हूं कि ये बीजेपी का फैसला सही नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज इलेक्शन कॉन्फ्रेंस में दूसरे लोग जो बातें करते हैं वो भी तो उसमें मेंबर पार्लियामेंट थे। किस शख्स ने उस समय इस बात को कहा कि इस फैसले का असर जम्मू कश्मीर के अवाम पर नेगेटिव होने वाला है, गलत होने वाला है? मुझे बताइए किसने कहा? वो थे गुलाम नबी आजाद साहब था जिन्होंने ये बात कही। और आज ये बात साबित हो गई। पिछले 4 साल में आपने देखा होगा कि यहां की यूपी सरकार ने इतने गलत फैसले किए। सबसे पहले उन्होंने विपक्षी का रुख निकाला, जिन लोगों ने रोशनी की जमीन कानून के मुताबिक ली थी, पहाड़ी लोग, बॉर्डर पर रहने वाले लोग, गरीब लोग जिनके पास घर से आगे जमीन थी और जिनके पास स्टेट लैंड थी और बाकायदा कागजों पत्रों में बिल्कुल जमीन सही थी, और उस ऑर्डर के तहत बहुत गरीबों को नुकसान हुआ। लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी ने आपने देखा होगा, हम कठुआ में आए थे, हमने पूरी यूनियन टेरिटरी में हर जिला में हमने प्रोटेस्ट किया और हमने कहा कि सरकार का फैसला कर दिया। राशन के लिए प्रोटेस्ट किया, इस सरकार ने स्मार्ट मीटर का फैसला किया, स्मार्ट मीटर तो लगा दिया लेकिन उनको बिल जो थे वो बढ़ के आगे ज्यादा होने लगे। आज एक समय आ गया है जब आम आदमी सोचते इस बात के लिए। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो भी उन्होंने फैसला किया हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन एक बार जो दास साहब ने कही और हम भी कहना चाहते हैं कि कम से कम यहां है, हम आपके मशहूर हैं, शुक्रगुजार हैं और आपको हम सल्यूट करते हैं क्योंकि आपने बड़ा सोच समझ करके गुलाम नबी आजाद साहब का दामन पकड़ा। आजाद साहब ने 42 साल के बाद कांग्रेस को खैरबाद किया। कुछ लोग कहते थे पहले कि आजाद साहब ने गलत किया, आज वही लोग कहते हैं कि जो आजाद साहब ने किया थोड़ी सोच समझ करके किया और बेहतर किया, अफजल किया, ठीक किया और दुरुस्त किया। क्योंकि लीडरशिप कहां है कांग्रेस, आज आप देख रहे हैं। इसके कहते हैं कि इस घर को आग लगी, घर के चराग से वही हुआ जो आपने सोचा था। आपने पिछले जो 2014 का इलेक्शन था उससे कबर गुलाम नबी आजाद साहब, जब दो मेरी बात समझ आ रही, जब 2002 में गुलाम नबी आजाद साहब प्रेसिडेंट बने, 27 साल के बाद
हूं तो आप बोर हो जाएंगे। मुक्सर से लंदन में मैं सुमंदर को पूजे में जमा करके आपको मुक्सर लंदन में खत्म करना चाहता हूं। मेरा मिजाज हमारी तरफ होना चाहता हूं, बापू की तरफ सुन के सुनने वाले होश। मैं डिस्ट्रिक्ट कुछवा के लोगों को मुबारकबादी पेश करता कि जब 2002-2008 में यहां पे इलेक्शन हुए, ठीक बात में कहता हूं, अगर गलत कहता हूं मैं गुजारिश करूंगा एक आदमी उठते हुए क्वेश्चन करें। इतना मैं कहना चाहता हूं, उन तीन एमएलएज ने करके दिखाया था, सुकून यहां पे, कॉलेज यहां पे, यूनिवर्सिटी यहां पे, एम्स यहां पे, मेडिकल कॉलेज यहां पे, जगह जगह पूरी बिशोली बंदी से लेके कुछ साथी नौजवान मेरे भाई बुजुर्ग खाना खा के जाएंगे, बिना खाना खाए कोई नहीं जाएगा। तो मैं आज का जो कार्यक्रम जो कुछवा में डीपीएफपी पार्टी द्वारा यहाँ संपन्न हुआ, तो आए हुए मेहमान स्टेट वाइस प्रेसिडेंट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी जनाब जीएम सरूरी साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब आजाद चीफ साहब, प्रोविजनल प्रेसिडेंट जनाब विमल किशोर शर्मा जी, वाइस प्रेसिडेंट प्रोविजनल सुभाष गुप्ता जी, दविंदर सिंह बिद्दू जी, मैडम आराधना मल्होत्रा जी, ताकि पार्टी नई दिशा में जाए और मजबूत हो। मोहरा जी मोहम्मद जुनेद जी जिंदौर से, हमारी बात सुन रहे हैं।